तो हेलो दोस्तों, इन दिनों बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी फिल्में क्लैश करती हैं और कुछ फिल्में सुपरहिट होती हैं तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी रन कर रही हैं और बहुत ही जल्द हिट और सुपरहिट हो जाएंगी। बॉलीवुड और साउथ की फिल्में हैं ये, एक है दशहरा और दूसरी है भोला। सबसे पहले दशहरा की बात करते हैं जो कि नानी की एक ज़बरदस्त फिल्म है और ये फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है। आपको दोस्तों बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 दिन कम्प्लीट कर लिए हैं। इन 9 दिनों में इस फिल्म का जो टोटल इंडिया से कलेक्शन रहा है वो 70 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। इसके अलावा ओवरसीज से इस फिल्म ने लगभग 19 करोड़ और 52 लाख रुपए का बिजनेस किया है और साथ ही इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 83 करोड़ 48 लाख रुपए का हो चुका है। वर्ल्ड वाइड लेवल पर 9 दिनों में दशहरा फिल्म जो है वो 103 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है और ये फिल्म जो है वो हिट का वर्डिक्ट आसानी से हासिल कर चुकी है क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 65 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ऐसे में अगर हम दूसरी ओर बात करें इस फिल्म के कॉम्पिटिटर यानी भोला की, तो वो फिल्म भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन वो फिल्म जो है दोस्तों उसके शोज अब कम कर दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी सारी हिंदी फिल्में भी रिलीज़ हो चुकी हैं। ऐसे में अगर हम उसके 9 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो 9वें दिन फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख रुपये का बिजनेस किया है। इंडिया नेट 63 करोड़ 28 लाख रुपए का हो चुका है 9 दिनों में। इंडिया ग्रॉस जो है दोस्तों आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से कहा जाए तो दोस्तों 70 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है और वर्ल्ड वाइड लेवल पर भोला फिल्म जो है वो अपने 9 दिनों में 84 करोड़ और 90 लाख रुपए का बिजनेस करी, यानी लगभग 84 से 85 करोड़ तक का बिजनेस कर रही है 9 दिनों में भोला फिल्म। ऐसे में दोस्तों अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर दशहरा मूवी आगे है, लेकिन अगर एक हिसाब से कहा जाए तो लैंग्वेज वाइज देखा जाए तो जो दशहरा फिल्म है वो एक पैन इंडिया फिल्म है और भोला सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई है प्लस एक रीमेक का मूवी काफी बेहतरीन बिजनेस की है एज कम्पेयर टू देखा जाए तो अजय देवगन की प्रीवियस डायरेक्टेड मूवी की। लेकिन भोला एक क्राइम यूनिवर्स है, देखना दिलचस्प होगा कि इसके नेक्स्ट पार्ट कैसे होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल होने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने इन दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म देखी तो आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।